हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभी जो मिसिंग हुई है इसके अंदर सिवली गोली बुक जो आपने ऑर्डर करी होगी उसके अंदर आपको जो है बहुत से पेजेस हैं जो मिस प्रिंट मिलेंगे, यानी पेज नंबर में कोई मिस्टेक नहीं है, वो पेज हैं जो आगे पीछे लगे हुए हैं, कुछ जहाँ पे उनकी ऑर्डरिंग होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। मिस बॉन्डिंग कह सकते हैं आप इसको, मिस बॉन्डिंग हो चुकी है। ये बुक का नाम है सिविल की गोली जो अभी सितंबर में आई थी। इस बुक के जो है आप काफ़ी पेजेस हैं जो मिस अरेंज हो चुके हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये पेजेस हैं। आपको सॉलिड मैकेनिक्स देखते हैं, सबसे पहले सॉलिड मैकेनिक्स में आया है जो क्या है 152 से लेकर 219। मैं दिखाता हूँ, आप इसका ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको सभी पेजेस हैं जो मैं बताऊँगा कि कैसे अरेंज किए गए हैं, कहाँ पे आपको कौन सा मिस्टेक पेज है और कहाँ पे आपको कौन सा पेज मिलेगा। सबसे पहले आता है सॉलिड मैकेनिक्स में, आप तो सिर्फ पेज नंबर पे ध्यान दीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आपको 195 पेज है, यहाँ पे 196, यहाँ पे कौन सा है 197 पेजेस। ये सब्जेक्ट कौन सा है? सॉलिड मैकेनिक्स। आप देख सकते हैं सॉलिड मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जैसे ये देखिए यहाँ 198, 197, 198, 199, देखिए 199, 200, 201, 202, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 205 नंबर पेज मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 204 नंबर पेज। लेकिन आप जैसे ही पेज को टर्न करते हैं 205 के बाद आपको मिलेगा 204। आप देख सकते हैं, देखिए 204 के बाद आपको मिलेगा 204, 214 पेज नंबर मिलेगा। आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, अगर आपको कोई स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा ये पेज नंबर में मिस प्रिंट हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स पेज नंबर में कोई मिस प्रिंट नहीं है, यहाँ पे आपको 214 मिल रहा है, यहाँ पे 205, पेज में क्यों नहीं है मिस्टेक, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर क्या है लास्ट 19। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो, इनके आंसर ये होने चाहिए कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेज है जो मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे बैकग्राउंड में पेज अलग से टाइप हो चुका है। तो उससे नेक्स्ट आपको बताएंगे, ये 16 क्वेश्चन है और ये 17 है, 16 यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, यहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव है, तो ये पेज है जो ये राइट है, लेकिन ये वाला पेज है यहाँ से जो इसके नेक्स्ट वाला पेज है जो यहाँ से मिस प्रिंट हो चुका है, ये है 205। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 206 आपको पेज कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये देखिए यहाँ पे 208 है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 209। तो आपको किस पेज की तलाश थी? 206 की। ये रहा फ्रेंड 206, और आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको मिल चुका है और पेज नंबर आपको 206 मिल चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिला 25 और यहाँ पे 25 की जो आंसर की मिल जाएगी आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 207 ये कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए 207 के बाद आपको पेज नंबर मिलता है 216 का, और उसके बाद पेज नंबर मिलता है 217 का, उसके बाद आपको मिलेगा 10 का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ,
पेजेस के बाद 205 हो चुका है, 206 आपको मिल चुका है, लेकिन 14 और 15 को आपको कहाँ पे अरेंज करना है देखिए जरा, 212 और 213, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा 206 उसके बाद। तो 212 और 13 के बाद आपको क्या करना है, ये वाला पेज यहाँ से उठाना है जो क्या ये वाला देखिए 2014 और ये 2015 214 यानी 214 और ये 215, इस क्वेश्चन इस पेज को उठा के यहाँ पे आपको अरेंज करना है। 212 213 के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा रीड करने के लिए। उसके बाद आपका पेज नंबर आता है 208 209, ये भी मैंने आपको दिखाया था 206 और 207 पेज है जो ये रहा 206 और 207, ये पेज है जो 204 और 205 के बाद आया था, लेकिन वहाँ पर मिस पेज था, तो यहाँ पे आपको आगे 206 और 207 के पेज से जो है वो टॉपिक क्लियर करना है। यहाँ पे आपको आंसर शीट मिलेगी और उसके बाद आप जाएंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 आपको मिलेगा 208 नंबर पेज पे, 208 नंबर पेज पे चैप्टर नंबर 8 मिलेगा, और 209 पे आपको जो है चैप्टर नंबर 9-8 की जो है आंसर शीट मिल जाएगी जो बिल्कुल इसके साथ ही है, यहाँ पे कोई मिसप्रिंट नहीं है उसके साथ। तो उसके बाद आता है 209 के बाद आप कहेंगे कि 2010 नहीं है, लेकिन 2010 में आपको भी दिखा देता हूँ, ये रहा देखिए फ्रेंड्स वो चैप्टर नंबर 8 है और ये चैप्टर नंबर ये देखिए 9 है। आपको कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 7-8 पेज को क्रॉस करना होगा इसको रीड करने के लिए। ये देखिए ये है 210 नंबर पेज है, चैप्टर नंबर 9 है। उसके बाद आपको जो है 211 नंबर पेज है जो इसके साथ ही मिलेगा, यहाँ पे कोई मिसप्रिंट नहीं है, इसको साथ ही मिल जाएगा, लेकिन आपको देखना है 2012। देखिए अब आप इसको पेज को चैप्टर नंबर 9 के बाद आप सोचेंगे कि हमारी सॉलिड मैकेनिक्स जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको जो है चैप्टर नंबर 9 की आंसर शीट नहीं मिलेगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सॉलिड मैकेनिक्स है जो आपकी चैप्टर नंबर 9 पे क्लोज नहीं हो रही। इसके बाद आपको और भी चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन आपको जो है 2011 के बाद का पेज है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जो है स्ट्रक्चर एनालॉजी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 211 के बाद आप जाओगे पेज नंबर 212 पे, ये देखिए वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कितने पेज क्वेश्चन आ चुके थे। 211 पेज पे आपका जो है 17 क्वेश्चन है लास्ट, लेकिन आपको यहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए, ओनली क्वेश्चंस है। उसके बाद डायरेक्ट है जो आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे यहाँ पे 208 2012 पे, यानी कि आपको लगभग 4 या 5 पेज बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद आप देखोगे ये रहे उसके ऑब्जेक्टिव 17 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर R/2, R/4, R/3, R/6 ये सारे उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद आपको 18, 19, 20 ये उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन मिलने के बाद आपको क्या उसकी आंसर शीट जो है ये दे रखी है नीचे, उसकी आंसर शीट मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या है कि 12 हो गया, लेकिन ये देखिए मैंने आपको बोला था कि सिर्फ चैप्टर नंबर 9 लास्ट नहीं है, आगे चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है जो स्प्रिंग्स का है। इसमें आप देख सकते हैं आपका पेज नंबर 213 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन उसके बाद आपको जो है 214 पेज नंबर चाहिए ना, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट, और ये देखिए 2 बैक जाओगे आप 4-5 पेज 214 का, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन 8, यहाँ से स्टार्ट होएगा। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आप जो राइट में आएंगे, राइट में आने के बाद आपको जो इनकी 18 क्वेश्चन की आंसर की मिल जाएगी, ये 18 क्वेश्चन और ये आपकी आंसर शीट। तो उसके बाद आपका 15 के बाद आपका आएगा 16,
ये आप कहते हैं, लेकिन 16 नंबर पेज आपका अभी मैं दिखाता हूँ। ये रहा आपका 16 नंबर पेज जो क्या चैप्टर नंबर 11 ठीक है, थिन सिलेंडर्स फेयर। यहाँ पे आपको 16 नंबर पेज मिलेगा और इसके साइड में राइट साइड में आपको मिलेगा 217 पेज जो इसकी आंसर शीट भी दी है और दो चार क्वेश्चन है जो वो दिए गए हैं। उसके बाद आपको अभी भी आपकी सॉलिड मैकेनिक्स रहती है, वेट कीजिए आप। ये 11 चैप्टर हो चुका और ये आता है आप रिवर्स जाएंगे 3-4 चैप्टर और आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 218 218 के बाद आपको राइट साइड में मिलेगा 219 नंबर पेज और ये रहा उसकी आंसर की। उसके बाद आपकी जो फ्रेंड्स सॉलिड मैकेनिक्स है जो ख़त्म हो जाएगी, 219 पेज हैं और यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है कि हमारी सॉलिड मैकेनिक्स है जो ये देखिए 219 नंबर पेज पे ख़त्म हो गई है सॉलिड मैकेनिक्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी भी फ्रेंड्स को स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्टडी करते टाइम इन पेजेस को या अपने क्वेश्चन मार्क लगा लें, पेज नंबर लिख लें या फिर एरो मार्क्स कर लें ताकि कभी भी उनको ये क्वेश्चन का आंसर या आंसर शीट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी बाई चांस क्या आपका कोई क्वेश्चन रीड करते तो आंसर की या जो नेक्स्ट पेज की आई हुई हो और वो उस क्वेश्चन को रीड कर ले। और क्योंकि इसमें ये भी दिया गया गेट वन बुक ऑन ईच एरर, तो इसीलिए ताकि वो एरर ना माने इस चीज़ को, कहीं वो सोचे कि इसमें एरर है, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।